हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 वेरी इजी वॉटर पेंटिंग आइडियाज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमें लेनी है ग्लास बॉटल, आपके पास जो भी बॉटल हो आप ले सकते हैं। और फर्स्ट लेयर हमने यहाँ पर जेसो का अप्लाई किया है, वाइट जेसो। अगर आप बॉटल पेंटिंग कर रहे हैं तो बेस पेंट मस्ट है। अगर आप डायरेक्टली एक्रेलिक कलर अप्लाई कर देंगे तो आपका एक्रेलिक कलर पील ऑफ हो जाएगा। बेस पेंट के लिए हमने यहाँ पर जेसो यूज़ किया है। आप चाहे तो एशियन पेंट का इमर्शन पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेयर हमने वाइट एक्रेलिक पेंट का अप्लाई कर लिया है। सो बेस पेंट ड्राई होने के बाद हमने कुछ डिफरेंट कलर लिए हैं, और आप चाहे तो चॉक पेंट भी ले सकते हो, एक्रेलिक कलर भी ले सकते हो। और इस तरह से हमने कुछ रैंडम सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं यूजिंग डिफरेंट कलर्स। मैंने लास्ट जो वीडियो आपके साथ में शेयर किया था क्ले पॉट पेंटिंग का, इसका डिज़ाइन भी थोड़ा सिमिलर ही है, कुछ उसी तरह का पेंटिंग हमने यहाँ पर बॉटल के ऊपर किया है। सो सर्कल वाला पार्ट ड्राई होने के बाद हमने लेना है ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर की हेल्प से हम कुछ लीफ डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ब्रश यूज़ किया है और फ्री हैंड डिज़ाइन किया है। अगर आप ब्रश के साथ में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ब्लैक मार्कर या फिर ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि ब्लैक मार्कर के ऊपर जब आप वार्निश करते हो तो आपका जो ब्लैक मार्कर है वो स्प्रेड हो जाता है। तो मैंने नोटिस किया है कि अगर आप ब्लैक मार्कर के ऊपर लिटिल बर्डी वार्निश, जो इट्सी बिट्सी का प्रोडक्ट है, वो यूज़ कर रहे हैं तो आपका मार्कर स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अगर आप स्प्रे वर्निश यूज़ करेंगे या फिर जो हार्डवेयर स्टोर में एशियन पेंट का क्लियर सिंथेटिक वर्निश मिलता है वो अप्लाई करेंगे तो आपका मार्कर स्प्रेड नहीं होगा। सो वी आर डन विद द डिज़ाइनिंग एंड हमारा बॉटल रेडी है। इसके ऊपर अब हम वार्निश अप्लाई करेंगे। मैं इसी वार्निश की बात कर रही थी, ये लिटिल बर्डी का वार्निश है। तो पेंट के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मार्कर के ऊपर इसे आप अवॉइड करें। सो हमारा ये बॉटल रेडी है। आई होप आपको ये बॉटल डिज़ाइन पसंद आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट बॉटल। सो अगेन हमें एक ग्लास की बॉटल लेनी है, और इसके ऊपर बेस पेंट के लिए हमने अप्लाई किया है ब्लैक जेसो। जेसो का लेयर ड्राई होने के बाद हम एक नेक्स्ट लेयर एक्रेलिक पेंट का अप्लाई कर लेंगे। और हमारा ये बॉटल कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। नेक्स्ट हमें लेना है मोल्डेड क्ले, और जो क्ले का रेजिन एंड हार्डनर पार्ट है दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसकी हेल्प से हम कुछ फ्लावर एंड लीफ डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं रोज़। रोज़ बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है, आप ईजिली इसे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा ये फर्स्ट रोज़ रेडी है। ग्लू की हेल्प से हम इसे बॉटल में स्टिक कर लेंगे, नीचे से एक्स्ट्रा जो है उसे ट्रिम कर लेंगे, और हल्के हाथों से, क्योंकि ये गीला है, हम बॉटल के ऊपर इसे स्टिक करेंगे। साथ ही हमने कुछ लीव्स भी बना लिए हैं। और इस तरह से छोटे छोटे बॉल के साथ में डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। लीव्स की कार्विंग आप इस तरह से किसी भी इस तरह का ऑब्जेक्ट लेकर इजली कर सकते हैं। तो पूरे बॉटल के ऊपर हमने इस तरह से 3 डिजाइंस बनाए हैं, और अब इसे हम ब्लैक एक्रेलिक कलर से कवर कर लेंगे।
और ब्लैक कलर ड्राई होने के बाद हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है ये गोल्ड डस्ट। तो थोड़ा सा कलर फिंगर के ऊपर लेकर और इस तरह से हम हल्के हाथों से इसे हाईलाइट करेंगे। याद रखें, ब्लैक कलर ड्राई होने के बाद इसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ड्राई होने के बाद स्टिक कैसे होगा, तो ये इजीली स्टिक हो जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और हमारा बॉटल ऑलमोस्ट रेडी है, इसके ऊपर हम स्प्रे वर्निश अप्लाई कर लेंगे। आप स्प्रे पेंट या वार्निश यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा आउटडोर में करें। एंड आवर क्ले बॉटल इज़ रेडी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वन। अगेन हमने एक ग्लास बॉटल लिया है और इसे भी हमने जेसो एंड एक्रेलिक पेंट अप्लाई करके ड्राई कर लिया है। नेक्स्ट हमने ये ट्रांसफर्मी स्टिकर लिया है। ये ड्रेस माई क्राफ्ट से है। मैं वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो स्टिकर को हमें कट करना है, ऊपर का जो प्लास्टिक है उसे रिमूव करना है और इस तरह से स्टिक कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर वाटर अप्लाई करेंगे। अच्छे से वाटर अप्लाई करेंगे जब तक कि जो हमारा डिज़ाइन है वो बॉटल में ट्रांसफ़र नहीं हो जाए तब तक, और उसके बाद ऊपर का पेपर रिमूव कर लेंगे एंड दैट्स इट। हम यहाँ पर कुछ विंटेज काइंड ऑफ डिज़ाइन बनाने का ट्राई कर रहे हैं। आप इतना पे ही बॉटल को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आगे थोड़ा और इसे डेकोरेट किया है। जो डिज़ाइन है उसके साइड्स में मैंने ये बेस चॉक पेंट अप्लाई कर लिया है एंड चॉक पेंट ड्राई होने के बाद हम ब्लैक कलर से कुछ स्प्लैशेस डालेंगे इस तरह से इसके ऊपर। जो भी प्रोडक्ट मैं वीडियो में यूज़ कर रही हूँ सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर लिंक के थ्रू प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। सो हमारा थर्ड बॉटल भी रेडी है, इसे हम वार्निश करेंगे। इसके लिए हमने लिटिल बॉडी का वार्निश यूज़ किया है मैट फिनिश में। आप जब भी ये स्टिकर यूज़ कर रहे हैं तो या तो फिर आप मॉडपॉज ग्लू से सील कर लें या फिर वार्निश के थ्रू सील कर लें। वार्निश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप वार्निश करते हैं तो आपका जो आर्टवर्क है वो लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाता है, सिक्योर होता है और वाटरप्रूफ भी हो जाता है। सो आई होप आपको ये बॉटल आर्ट आइडियाज़ पसंद आए हों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसमें से कुछ ट्राई करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है चाइनीज़ DIY डेकोर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नए DIY वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।